हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आज की कथा जो कि नवग्रह शिव महापुराण हैदराबाद में चल रही है, उसका श्रवण मैं भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसके चमत्कारी उपाय आप सभी तक पहुँचाने का। ऐसे में गुरुजी ने आज एक उपाय बताया है। घर में नकारात्मकता रहती हो, घर परिवार के सदस्य मानसिक रूप से परेशान रहते हो, उदासी का सा माहौल रहता हो, कोई ना कोई चिड़चिड़ापन, कहने का अर्थ है स्वप्न के माध्यम से हो या कोई भी इस तरह से नकारात्मकता, डर, भय का माहौल रहता हो, तो यह छोटा सा उपाय करके जरूर देखिए। गुरुजी कहते हैं साल में एक दो बार भी कर लेंगे तो पर्याप्त होगा। पूर्ण विश्वास से कीजिएगा, मन में श्रद्धा भावना से कीजिएगा। शुद्धता का इसमें ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। साफ स्वच्छ गौ का घी, अर्थात गाय का साफ स्वच्छ घी लेना है। शास्त्रों में भी कहा गया है किसी भी पूजा पाठ या उपाय में, हवन इत्यादि में, किसी भी कार्य में गाय का घी सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में यह उपाय गुरुजी खास तौर पर कहते हैं कि यह उपाय करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है, अर्थात गौ के घी का चयन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जब शिव मंदिर में, आप हमेशा जाते ही होंगे अगर आप शिव भक्त हैं, तो अशोक सुंदरी की जगह, आप सभी जानते हैं कई उपायों में गुरुजी ने कहा है, स्क्रीन पर भी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, अशोक सुंदरी जो कि भगवान शिव की बेटी हैं, उनका स्थान भी शिवलिंग के आसपास ही है। ऐसे में इस स्थान पर आप सभी को अपनी उंगली से जो है घी लगाना है। आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। कोई इसमें इस तरह के गुरुजी ने नहीं बताया कि कोई इस तरह से लगाइए, बस गुरुजी ने कहा है कि आपको वहाँ पर घी लगाना है, उंगलियों से लगाना है, और वही उंगली आपको साफ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, वही उंगली उठाकर अपने घर के मुख्य गेट पर लगा देनी है। गुरुजी कहते हैं मात्र एक बिंदी लगा दीजिए, संभव हो तो दो तीन बार कर सकते हैं। देखिए कोई भी शुभ कार्य करने में या कोई उपाय करने में, प्रभु की भक्ति करने में कोई हर्जा नहीं है। गुरुजी कहते हैं दो बार पर्याप्त है और काफ़ी सरल भी उपाय है। शुद्ध घी लेना है, अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है, उसके बाद वही उंगली थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, जिससे कि घर पर आप मुख्य द्वार के दाहिने तरफ, इस बात का भी ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ इस बिंदी को लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं उदासी, नकारात्मकता इत्यादि का नाश होगा, सुख समृद्धि हमेशा घर परिवार पर बनी रहेगी। यह छोटा सा कार्य करके जरूर देखिएगा। इस कार्य को करते हुए निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पूर्ण आस्था और विश्वास से कीजिएगा, सफलता मिलना निश्चित है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।